आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे डार्क एज। इससे पहले हमने कराया था एज ऑफ चौसर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। डार्क एज जो कि बीए फिफ्थ सेमिस्टर में है, चौसर के बाद की एज। डार्क एज का टाइम पीरियड है 1400 से लेके 1500 तक। डार्क एज को बैरन पीरियड भी कहा जाता है। डार्क एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैरन पीरियड बिकॉज इन दिस एज नो डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, सो इट इज कॉल्ड बैरन एज एंड द डार्क एज। नेक्स्ट, बिफोर बिगनिंग द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन एज लिटरेचर पास्ट थ्रू ए लॉन्ग बैरन पीरियड। जो एलिजाबेथन एज थी उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसे बैरन एज कहा जाता है, क्योंकि जो डार्क एज का जो टाइम पीरियड है वो एलिजाबेथन एज के बिगनिंग से पहले का टाइम है। देयर वर मैनी पोइट्स हु ट्राइड टू इमिटेट चौसर बट फेल्ड। बहुत सारे राइटर ऐसे हुए जिन्होंने चौसर को नकल करने की कोशिश की लेकिन वो डार्क एज में फेल हुए। इसीलिए डार्क एज को बैरन एज कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जैसे थॉमस ऑक्लेव, जॉन लिडगेट और जॉन स्कल्टन। ये राइटर हुए थे जिन्होंने चौसर को इमिटेट करने की कोशिश की थी बट लेकिन ये सब फेल हो गए थे। लेकिन इस एज का जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है वो ये है कि इस एज में जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका डेवलपमेंट हुआ था। इन 1476 विलियम कैक्सटन वॉज स्टेबलाइज्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था 1476। दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस एज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पहली बुक थी वो जो इस एज में पहली बार प्रिंटेड की गई थी वो थी सर थॉमस मैलोरी की मॉर्टी डी ऑथर 1470 में। द ब्रिटिश ड्रामा बिगिन इन 15th सेंचुरी। जो ब्रिटिश ड्रामा लिखा गया था वो 15th सेंचुरी से उसकी शुरुआत मानी जाती है। जो डार्क एज का जो टर्म है वो पेट्राश के द्वारा दिया गया था रेनेशा के टाइम पीरियड के दौरान। द टर्म डार्क एज वाज कॉइन्ड बाय स्कॉलर पेट्राश ड्यूरिंग द रेनेशा। रेनेशा के दौरान डार्क एज को डार्क इस जो टाइम पीरियड था 1400 से लेके 1500 तक उसको पेट्राश ने रेनेशा के टाइम पीरियड के दौरान दिया था। इट वॉज कॉल्ड द डार्क एज बिकॉज मैनी सजेस्ट दैट दिस पीरियड लिटिल सॉ लिटिल साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट। इस एज को डार्क एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में बहुत ही कम साइंटिफिक और कल्चरल एडवांसमेंट देखे जाते हैं। एक इस एज का एक और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि जो जॉन वाइक्लिफ थे उन्होंने बाइबिल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था इस एज में। इन द डार्क एज प्रोज पोएट्री वर नॉट मच डेवलप्ड बट मिराकल मिस्ट्री मोरलिटी प्लेस एंड इंटरल्यूड्स प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर एलिजाबेथन ड्रामा। इस एज में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था लेकिन मिराकल मिस्ट्री और मोरलिटी प्ले जो थे एंड इंटरल्यूड्स उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रोवाइड किया था एलिजाबेथन ड्रामा को। मिराकल मोरलिटी प्लेस और मिस्ट्री प्लेस को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके बीए के फिफ्थ सेमेस्टर के लिए वेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।